कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। अब है पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी बिल्कुल आपकी वेव थ्योरी के बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, उन्होंने कहा जो पार्टिकल्स है वो कंपोज्ड है, सॉरी जो लाइट है वो कंपोज्ड है किसके थ्रू, पार्टिकल के थ्रू। मतलब लाइट जो बनी हुई है किससे बनी हुई है, पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, उसका कहना है लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इसी वजह से वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है एट हाई स्पीड। हाई स्पीड और स्ट्रेट लाइन में तो वहां पर भी कर रही थी, लेकिन वहां पर मीडियम की जरूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल के मीडियम की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स डिफाइन लाइट इज द फोटोन। उन्होंने एक टर्म दे दी कि ये जो एलिमेंट्रिकल पार्टिकल्स हैं क्या है, एक टाइप के फोटोन है। तो फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। तो फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड कास्टिंग ऑफ शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट बाय लाइट कैन बी एक्सप्लेन ओनली इफ द लाइट इज द लाइट इज थ्रो टू बी मेड ऑफ पार्टिकल्स। जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, यहाँ तक कि जो शेडो बन रही है ऑब्जेक्ट की लाइट के वजह से, वो सब क्या शो करती है कि वो लाइट जो है इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब इस थ्योरी पे डिपेंड करती है, ना कि आपकी वेव थ्योरी पे। आपने कभी देखा है कि जब आपकी शेडो बनती है तो वो हमेशा ब्लैक कलर की बनती है। रीजन बिहाइंड, आपने चाहे कोई भी कलर पहन रखा है, शेडो का भी कलर वही आना चाहिए ना, लेकिन नहीं आता, क्योंकि वो हमारे लाइट क्या होती है, सामने बैक से पड़ रही है, शेडो आगे बनेगी। ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। अगर लाइट पीछे से आ रही है तो शेडो आगे बनेगी, लाइट आगे से आ रही है तो शेडो पीछे बनेगी, जिसकी वजह से पार्टिकल्स नहीं है ना, तो इसलिए हमेशा जो आपकी शेडो है वो ब्लैक कलर की बनती है। तो इसलिए ये जो शेडो है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, वो पार्टिकल थ्योरी को डिनोट करता है, ना कि वेव थ्योरी को डिनोट करता है। फर्दर फिर हमारे और साइंटिस्ट आए, ड्यूल नेचर बताया उन्होंने। उन्होंने कहा लाइट का ड्यूल नेचर है। ड्यूल नेचर का मतलब उन्होंने कहा वेव थ्योरी वाला भी है और पार्टिकल वाला भी है। कहीं पे वेव थ्योरी काम कर रही थी, कहीं पे पार्टिकल, तो उन्होंने दोनों को मिक्स करके कहा कि दोनों चीजें शो करता है लाइट, आपका वेव थ्योरी भी एंड पार्टिकल थ्योरी भी, जिसको उन्होंने एक और नाम दिया क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, जिसके अंदर आप वेव थ्योरी भी लिखेंगे और पार्टिकल थ्योरी भी लिखेंगे। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने आपको पहले कहा है, एक बहुत इजी तरीका है, आप इसे समझिए, कोई एक पॉलिश्ड चीज है, एक अनपॉलिश्ड चीज है। पॉलिश्ड चीज मतलब एक मिरर ले लीजिए, आपने देखा होगा मिरर के पीछे एक सिल्वर की पतली सी थिन लेयर लगी होती है, एक फ्रंट वाला पार्ट है, एक बैक वाला पार्ट, और उसके बैक में भी रेड कलर की पॉलिश्ड होती है, ताकि उसे हम बोलते हैं स्मूथ सरफेस। ठीक है, नॉर्मली अगर आप किसी सिल्वर को देखेंगे तो उसकी रफ सरफेस होगी। ठीक है, जिसकी वजह से लाइट उस पर पड़ेगी, जैसे कि हमने वेव थ्योरी में पढ़ा था कि किसी भी कॉर्नर से भी, टाइनी कॉर्नर से भी वो टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो वही चीज उन्होंने कहा है कि दो टाइप की सरफेस है, एक स्मूथ सरफेस, एक स्मूथ और एक रफ। अगर स्मूथ सरफेस है तो वो लाइट को क्या करेगी, एक ही पॉइंट पे लेगी और वहीं से रिफ्लेक्ट करेगी, जबकि अगर रफ सरफेस होगी तो किसी भी पॉइंट से वो टकराएगी और किसी भी और वो रिफ्लेक्ट कर सकती है, स्कैटर्ड करेगी लाइट को। ठीक है, क्या करेगी, स्कैटर्ड करेगी। यही रीजन है जब एक कमरे में बहुत सारी चीजें होती हैं तो सारी ही स्मूथ सरफेस वाली नहीं है, सब रफ सरफेस वाली होती है, बहुत कम चीजें होती हैं रूम के अंदर जो कि स्मूथ सरफेस वाली हो। फॉर एग्जांपल मिरर, मिरर कैसा है, स्मूथ सरफेस है, बाकी जितनी भी वहां पे चीजें हैं, टेबल है, चेयर है, डेस्क है, आपके मिरर्स हैं, बेड है, जितनी भी रफ सरफेस है, जिसकी वजह से लाइट जब जिसके भी ऊपर पड़ती है वो स्कैटर्ड होती है, जिसकी वजह से हमें रूम में रखी हुई हर चीज नजर आ रही है। स्कैटर मतलब फैलती है, लाइट क्या करती है, फैलती है। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली अगर आप किसी पिन होल के थ्रू क्या किसी चीज को देखेंगे तो जितना उस होल के अंदर एरिया है वो जहां तक लाइट जा रही होगी सिर्फ वही चीज नजर आएगी कि नहीं आएगी। तो वही उन्होंने कहा है कि वहां पर रफ सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए हमें रूम की हर एक चीज क्या होती है, दिखाई देती है। देखिए, ये एक मिरर है, मिरर का बैक साइड है जो कि सिल्वर लेयर से कवरअप है, देन उसके ऊपर पॉलिश्ड है, तो वो कैसी सरफेस है, एक स्मूथ सरफेस है, और स्मूथ सरफेस होने की वजह से जब लाइट उसके ऊपर पड़ती है एक पॉइंट पर तो वो वापस टकरा के वहीं पहुंचती है, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करती है। ठीक है, देखिए, लाइट फॉल ऑन मिरर एंड लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर। यहां गई, जैसे बॉल बाउंस करती है ना, बॉल जितनी स्पीड से और जिस दूरी में फेंकते हो उसी से वो वापस आती है, लाइक दैट, ये लाइट उसी स्पीड से गई और उसी स्पीड से वो वापस आ रही है। ठीक है, इस टाइप को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। देखिए, नॉर्मली जब हम कोई भी चीज समझाते हैं तो हम एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं मिरर का, ये फ्रंट साइड होता है, बैक साइड में हम डैश डैश लगा देते हैं। अब आपको मेन रिफ्लेक्शन का मेन मतलब समझना है। देखिए, हमने क्या करा, एक मिरर लिया,
मिरर के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ली, परपेंडिकुलर आप जानते हैं 90 डिग्री पर, एक परपेंडिकुलर लाइन ली, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ये है एन, एनओ क्या है, नॉर्मल लाइन है, एओ इस पॉइंट पे पड़ी जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंस रे, और ओ बी रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है, ठीक है। तो आपने देखा है कि नॉर्मल के साथ इसने एक एंगल बनाया है, फर्दर इसने भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया है। ओ सॉरी ए ओ एन जो एंगल बना रही है वो इंसिडेंस रे के थ्रू बना रही है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। एन ओ बी ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। और आप देखेंगे ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कहलाता है, ठीक है। रिपीट कर रही हूं, देखिए ये एक मिरर है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है, तो सारी लाइट एक जगह पड़ेगी और वापस वहीं से पास ऑन होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ली जिसे हमने बोला एनओ, नॉर्मल क्या बोलते हैं, एओ इंसिडेंस रे है, ओ बी रिफ्लेक्टेड रे है, ए ओ एन के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एन ओ बी इसके बीच में भी एक एंगल की फॉर्मेशन हो रही है और इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल होगा, अगर मान लीजिए 35 है तो ये भी 35 ही होगा ऑलवेज, ठीक है। तो ये हम स्मूथ सर्फेस की बात करते हैं, रफ सर्फेस में क्या हो रहा है, जैसे ये पेन है, पेन यहां पर लाइट पड़ी, रफ है, कहीं से कुछ खुरदरा खुरदरा है ना, रफ सरफेस है, तो लाइट क्या होगी, कभी भी होगी तो यहां पर भी सेम, लेकिन स्कैटर्ड करेगी अगेन एंड अगेन एंड अगेन, यहां पर तो एक पॉइंट पर पड़ रही है और वहीं से रिफ्लेक्ट हो रही है, यहां पर किसी भी पॉइंट पर पड़ रही है और वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से हमें रूम में रखी हुई हर एक वस्तु इसी वजह से यह ऑब्जेक्ट नजर आता है, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है, स्पेशली इसका फॉर्मूला। थैंक यू क्लास।